आते हैं इसीलिए कि पुरानी यादें ताज़ा हो। कोई सर एक घटना शेयर करना चाहिए? और बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली तो यह कह सकता हूँ कि जो डीडी है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे गणेश आचार्य को पहचान मिली है, तो मेरे लिए ये घटना नहीं हो सकती, मेरे लिए एक इतिहास है, मेरे लिए ज़िंदगी भर याद रहेगा। जब तक मैं रहूँ या मेरे बाद मेरे कोई भी पूछते या मेरे असिस्टेंट लोग हैं, वो डीडीए को नहीं भूल सकते। तो ये एक इसमें घटना नहीं कह सकते, इट्स हिस्ट्री, और हम यहाँ से मतलब जुड़े हैं, ज़िंदगी भर जुड़ते रहेंगे। सर क्योंकि सर आज की पूरी रात डांस को हमने समर्पित किया है, सर आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं जिनको आपने हमेशा फॉलो किया है? मेरे गुरु थे कमल मास्टर जी, जो जिनके नक्शे कदम पे मैं हूँ। अभी भी ऐसा लगता है कि उनका हाथ मेरे सर पर है, जो भी काम कर रहा हूँ उनके बदौलत कर रहा हूँ, उनसे ही सीखा हुआ है सब। सर सीखने के दौरान कुछ डांट पड़ी हो आपको या मतलब आपको सिखाया हो जो आपको अभी भी सीख याद हो? डांट तो पड़नी थी, कमल मास्टर जी सामने आते तो हाथ पांव कांपते थे, वो इतने छोटे से थे लेकिन उनका दबदबा बहुत था, वो असली दबंग थे, तो याद आता है वो सब दिन, और अभी जैसा है। अभी तक तो पता नहीं है, फ्यूचर देखेंगे। कोई भी मतलब आप देखना चाहें? अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। जानना चाहेंगे सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या? अभी हाउसफुल 3 का गाना है, हाउसफुल 3 आ रही है और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट है लाइनअप, देखते क्या। सर जानना चाहेंगे सर आपके पर्सनल सॉन्ग्स क्या हैं या फिर आपको याद आते हैं कि वो कुछ गाने मैंने किए थे और मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे गाने मैं रीमेक करूँ या उनका उनके ऊपर कुछ फिल्म ऐसे कुछ बने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए हर गाना एक लेसन है, मैंने हर गाने को एक सीखने के हिसाब से लिया हुआ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरा गाना हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, वो मेरे लिए एक किताब का एक ऐसा प्रश्न है जिसको मैं देख के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे हर गाने में मैं एक सवाल उठाता हूँ कि मैं अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, तो अच्छा है वो रख देता हूँ, बुरा को अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी मतलब हर गाने में एक कोशिश रहती है। राइट नाउ ऑल्सो आई एम लर्निंग, कोशिश कर रहा हूँ सीखूँ और कुछ आगे करूँ। लास्ट क्वेश्चन इज के सर अभी जो भी हमारे स्लैब्स हैं जो हमारे माइलस्टोन्स रह चुके हैं उनके ऊपर एक बायोपिक बन जाती है, अगर आपके ऊपर एक बायोपिक बनती है तो आप किन कौन कौन सितारे होंगे जिनको आप देखेंगे? जिस दिन टेक्नीशियंस के ऊपर बायोपिक बनेगी उस दिन टेक्नीशियन बहुत ऊपर होगा, और मेरा सपना है कि हर टेक्नीशियंस के ये जो आप कह रहे हैं आपके मुँह में घी शक्कर ये बात सच हो। इवन नॉट मी, कैमरामैन, फाइट मास्टर, डांस मास्टर, जितने लेजेंड जिन्होंने काम किया इनके ऊपर बायोपिक अगर फिल्म बनेगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि आखिर में अभी चिंटू जी, ऋषि जी ने बहुत सारी चीज़ें की है कि आज शायद ऋषि जी जो कह रहे हैं वो आज के जितने यंगस्ट आर्टिस्ट या जितने लोग हैं उनको समझ में आए कि टेक्नीशियन के लिए सब कुछ होता है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि ये चीज़ होगी। देखना किन को चाहेंगे अपने रोल में? ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि डांस मास्टर का जो जॉब है वो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, इसको करने वाला मुझे अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा ऐसा, लेकिन हो जाए आगे फ्यूचर में। हर किसी का एक रिकॉर्ड टूटता, हर किसी की एक पहचान बनती है, तो शायद कोई भी गाना कोरियोग्राफ करते हैं तो आपका नया स्टेप हमेशा एक छोटा बच्चा भी कर लेता है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, तो आप बच्चों से सीखते हैं या रियल लाइफ से लेकर आते हैं? मैं आम लोगों का कोरियोग्राफर हूँ, मैं आम लोगों से मूवमेंट छुड़ाता हूँ, जो मैं देखता हूँ, कभी पार्टी में देखता हूँ, कभी रोड पे देखता हूँ, कभी शादियों में देखता हूँ, कभी कोई, हर किसी का एक बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कनेक्ट हूँ उनके साथ जॉइंट हूँ, उनके ऊपर मोमेंट निकालूँ, चाहे कोई भी हो, तो कोशिश यही कि आम, और मुझे अच्छा लगता है ज़मीन पे रहना और ज़मीन के लोगों के साथ रहना। सर आपने किसी का कोई डांस मोमेंट चुराया और उसको बताया भी हो कि मैंने तो तुमसे ही सीखा था? ये चुराया वर्ड्स मैं आपको बता दूँ कि आई एम नॉट कोरियोग्राफर, आई एम कोरियोग्राफर, रियली बता कि हम कोरियोग्राफर क्यों हैं, क्योंकि जितने बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स आपने यहाँ पे, ऋषि जी ने नाम लिए, सरोज जी है, कमन जी है, सत्यनारायण मास्टर जी, सोहन लाल मास्टर जी, हीरा लाल मास्टर जी, इनको देख देख के हम डांस मास्टर बने, तो हम कोरियोग्राफर ही, हम कोरियोग्राफर नहीं हुए, तो हम चुराते ही है और चुराते रहेंगे जब तक नई नई चीज़ें आएंगे, उनको देखेंगे, चुराएंगे, जो भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया उसको अपने अपने उस काम में लगाएंगे और आगे काम करते रहेंगे। थैंक यू। आज के कोरियोग्राफर्स जैसे क्या कहेंगे आज इस इवेंट के बारे में?
आई थिंक आई हैव अटेंड इतने सारे अवार्ड फंक्शंस बड़े बड़े होते हैं, हम लोग अटेंड करते हैं, लेकिन ये हमारा कोरियोग्राफर का एक दिन है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम पूरे हिंदुस्तान के कोरियोग्राफर्स यहाँ पर आए हैं, पूरे बॉम्बे के। इससे बड़ा दिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ये मैंने पहली बार अटेंड किया है एंड इतने सारे लोगों को देखकर आई एम रियली हैप्पी। और सबसे ज़्यादा सरोज खान को और मेरे मास्टर जी गणेश मास्टर जी के एक ही छत के नीचे हम अपने गुरु से भी मिल सकते हैं और हमारे जो असिस्टेंट है वो हमसे मिल सकते हैं, तो इससे बड़ा दिन और अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। आप सभी लोग एक फैमिली की तरह मिलते हैं, कुछ पुरानी यादें जुड़ती हैं या आप लोग ये? बहुत सारी यादें, क्योंकि हम बहुत ज़मीन से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं और जो लोग हमारे साथ उस वक्त थे और आज है, तो बहुत सारी यादें जुड़ती हैं। ये हमारी ज़मीन लगती है, हम यहाँ पर अपने आप में रह सकते हैं, वी डोंट हैव टू बी फॉर्मल। छोटी यादें, बड़ी यादें, खुशी की, बिटर, सारी चीज़ें याद आती है। एंड वी ग्रो एवरी ईयर, एवरी टाइम, एवरी मिनट एंड एवरी सेकंड वी ग्रो। तो ग्रो होने के बाद अगेन एक साल में फिर यहाँ पर आके सबसे मिलो, कुछ चेंजेस है, कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, यू नो, और अपने साथ अच्छी यादें फिर से लेके जाओ। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। ऐसे कौन से स्लैब्स हैं या आपके कौन से रोल मॉडल हैं आप सोचते हैं कि इस फंक्शन में उनको होना चाहिए? आई थिंक आई वॉज मिसिंग प्रभु सर, प्रभु देवा, बिकॉज वो मेरे गुरु रह चुके हैं। तो मेरे सारे गुरु थे, सरोज जी, गणेश मास्टर जी, सिर्फ प्रभु सर नहीं थे, तो मुझे लगा कि वो भी होते तो और मजा आता। अगर कोई मैसेज देना चाहे तो क्या कहेंगे? वी मिस यू प्रभु सर, आई होप टू सी यू टू नेक्स्ट ईयर। डांट जो आपको डांट फटकारते हो? वो डांटते ही नहीं थे, मैं चाहती थी वो मुझे डांट।